नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारत को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबज हो गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। पहली बार आदिवासी महिला बनी राष्ट्रपति। राजनीति में आने से पहले शिक्षक रही मुर्मू। पार्षद के रूप में शुरू किया अपना राजनीतिक करियर। दो बार भाजपा की बनी विधायक। नवीन पटनायक सरकार में रही कैबिनेट मंत्री। बीजेपी संगठन में संभाल चुकी है कई अहम पद। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव। भारत को उसका नया राष्ट्रपति मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हो गई है। द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। वोटिंग में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया था। द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद गांव रायरंगपुर में लड्डू बांटे जा रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए भाजपा के नेतृत्व एनडीए की ओर से राष्ट्रपति बनने तक का सफर बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून साल 1958 को ओडिशा में मयूरभंज जिले के कुसुमी प्रखंड स्थित संथाली गांव उपबेड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू है। उन्हें भारतीय राजनीति को जाति का नया पैमाना देने वाले मंडल आयोग के लागू होने के बाद जारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ही अगली कड़ी बनाया जा रहा है, जिसके पीछे केआर नारायण और रामनाथ कोविंद का नाम आता है। बता दें कि द्रौपदी की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी और उन दोनों के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुए, लेकिन उन्होंने अपने पति व दोनों बेटों को खो दिया। उनकी बेटी है जिसका नाम इतिश्री है। उनकी शादी गणेश हेम्ब्रेस से हुई। तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से आर्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक क्लर्क की नौकरी की। राजनीति में आने से पहले वो शिक्षक के पद पर रही। उन्होंने साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में वो ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। मुर्मू रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही। द्रौपदी मुर्मू ने साल 2009 में तब अपनी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी जब बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने ओडिशा के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं मुर्मू को साल 2007 में ओडिशा विधानसभा ने साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। उन्हें 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल है। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को झारखंड की नवी राज्यपाल बनाई गई और जुलाई 2021 तक इस पद पर रही और अब वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से बीजेपी राष्ट्रीय भवन में एक आदिवासी महिला के होने से
एसटी कम्युनिटी के बीच पार्टी की छवि निखरेगी, जिसका असर सीधा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी भारतीय राज्यों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर अपनी कुर्सी संभाल ली है। अब 25 तारीख को इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश में खुशी की लहर है, साथ ही साथ आदिवासी कुनबे में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दिन से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।